ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्निहोत्री। आज मैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों के को कुमोदनी प्रकाशन द्वारा हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम पार्ट 1 का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरा देश मेरी जन्मभूमि मेरी मातृभूमि। यह एक कविता है। अब आप कविता को ध्यान से पढ़िए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां ढह रही हैं, जगमग छटा निराली पगबग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह शरण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जिस प्रकार हिमालय की ऊंचाई आसमान को छूती है और नीचे हिमालय के पैरों पर समुद्र की लहरें झूमती रहती हैं, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों की लहरें पग पग अपनी जगमगाती शोभा को फैला रही हैं, वह पुण्य से भरी स्वर्ग के समान सुंदर भूमि जहां मैंने जन्म लिया है वह मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, मलय बहती मलय पवन है तनमन सवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जिसकी पहाड़ियों से अनेक झरने झरझर की आवाज़ करते हुए नीचे गिरते हैं, पक्षी भी झाड़ियों में मस्त होकर चहकते हैं, आमों के वृक्षों की घनी छाया में कोयल की अपनी मधुर आवाज़ में पुकारती है, दक्षिण दिशाओं से बहने वाली शीतल मस्त हवाएं सभी व्यक्ति के तन मन को संवारती हैं। जहां धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ, कर्म योगियों से भरी मेरी भूमि जहां मैंने जन्म लिया वह भूमि मेरी माँ के समान है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाया, वह धर्म भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जहाँ रघुवंश में पुरुषोत्तम राम और पतिव्रता नारी सीता ने जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र वंशी की धुन पर गीता का उपदेश दिया, इसी भूमि पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर हमारे देश का यश बढ़ाया और इस संसार को दया जैसी महत्वपूर्ण चीज का दिया दिखाया। जिस भूमि पर पांडव और कौरों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जहां महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ, ऐसी जन्म स्त्री में भूमि मेरी माँ के समान है। आज हमने क्लास 3 की हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र कविता का व्याख्या का अध्ययन किया। अब आपका होमवर्क, आप अपनी हिंदी की पुरानी कॉपी में 8 लाइन की कविता को याद करके सुंदर अक्षरों में डेट, सबसे पहले डेट डालिए, ऑनलाइन क्लास लिखिए और पार्ट 1 पाठ का नाम डालकर 8 लाइन की कविता लिखिए। धन्यवाद।